हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, आप यहां पे जो एक छोटा सा खरगोश के बच्चे को देख रहे हैं, ये हमें कुछ 15 दिन पहले मिला है। दोस्तों, इसके माँ को लोमड़ियों ने खा लिया था। जी हां दोस्तों, कुछ 15 दिन पहले की बात है। मेरा कज़िन ब्रदर रात में 10 बजे के करीब बाइक लेके आ रहा था, तो तभी क्या हुआ, एक लोमड़ी एक खरगोश को खा रही थी और बाइक को देखते ही लोमड़ी भाग गई। मेरे भाई ने वहाँ पर गाड़ी रोका और उसने देखा कि कुछ ही दूर में, मतलब 30-40 फीट की दूर में, ये जो छोटा सा बच्चा था वो डर के मारे रोड के बीच में आके बैठ चुका था। तब ये बहुत छोटा था और भाग भी नहीं सकता था। तब मेरे भाई ने इसको उठा के घर ले आया और अब देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा होके कितना फुर्तीला बन चुका है। लेकिन ये बहुत छोटा होने के कारण ये घास नहीं खा सकता, इसलिए हमें इसको टाइम टाइम पर दूध पिलाना पड़ता है। दोस्तों, अब ये इसका दूध पीने का टाइम है। देखिए, हमें इस तरह से इसको धीरे धीरे दूध पिलाना होता है। अब ये सिर्फ 2-3 चम्मच ही दूध पिएगा, फिर भी आप इसको पिलाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं पिएगा। फिर 1-2 घंटे के बाद आप इसको फिर से 2-3 चम्मच दूध पिला सकते हैं। दोस्तों, रैबिट के बच्चे अगर ज़्यादा दूध नहीं पीते तो उसे फोर्स मत करना, वो एक बार में कितना दूध चाहिए उतना ही पीते हैं। देखिए, इसका दूध पी के हो गया, अभी ये फिर से 1 चम्मच भी नहीं पीने वाला है। देखिए, ये बिल्कुल नहीं पिएगा। देखिए, अब जाके इसका नाश्ता हो चुका है, अब ये खेलने के लिए तैयार है। अगर आप रैबिट्स को पिंजरे में पालना चाहते हैं तो पिंजरे का भी कुछ डायमेंशन होता है, उसी तरह से आपको पिंजरे बनवाना पड़ेंगे। देखिए, खेलने को जाने से पहले ये अपना मुंह धोना चाहता है। देखिए कैसे अपना मुंह को साफ कर रहा है। दोस्तों, ये सारा दिन घर के अंदर, तबेले के अंदर कहीं भी घूमता रहता है। इसको हमने पिंजरा नहीं बनाया है और पिंजरे में इसको नहीं डाला है, इसको हमने फ्रीली छोड़ दिया है ताकि आसानी से घर में घूम सके। और दोस्तों, हम इसे कुछ दिन के बाद, मतलब अब 15-20 दिन के बाद हम इसको फिर से जंगल में छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये जंगल में रहने वाला जानवर है, हम इनको घर में पाल नहीं सकते। तब तक शायद ये घास खाना भी शुरू कर देगा। अगर आपको घर में पालना हो तो फार्म में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे रैबिट फार्म भी होते हैं, वहाँ आपको बहुत टाइप के खरगोश पालने के लिए मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको भी फार्म में रहने वाले खरगोश चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम कैसे भी करके पालने के लिए आपको 2 रैबिट्स का इंतजाम करा देंगे। वैसे भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स के घर में रैबिट्स हैं, चाहे तो मैं वहाँ से आपको दिला दूंगा। देखिए दोस्तों, ये अब अपना पूरा बदन को साफ कर रहा है। देखिए, दिखने में भी कितना सुंदर है ये। दोस्तों, ये जो रैबिट्स होते हैं दिन से ज़्यादा रात में ही एक्टिव रहते हैं। देखिए, अब ये सारा घर जाके घूमेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्ली है तो खरगोश पालने से पहले जरा सोचिएगा, तब आप इसको अपने घर के अंदर ओपनली छोड़ नहीं सकते, नहीं तो वो कुत्ते या बिल्ली इसको खा जाएंगे। और फार्म में मिलने वाले रैबिट्स जो हैं वो ज़्यादातर खाने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इनके गोश्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए ये दिल के मरीजों के लिए भी अच्छा है। दोस्तों, ये फार्म में मिलने वाले जो रैबिट्स होते हैं वो हर 3 महीने में बच्चे पैदा करते हैं और एक बार में 6 से 7 बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए रैबिट फार्मिंग अब एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉफिट है और ये पर केजी 300 रुपीज़ के भाव में बिकते हैं। और एक फार्म के रैबिट का वज़न 2.5 किलो से 3 किलो तक होता है। उनके मुकाबले जंगली खरगोशों का वज़न थोड़ा कम होता है। जंगली खरगोशों में इस कलर का रैबिट बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको फार्म रैबिट्स में डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, फिर भी उनमें से वाइट ज़्यादा होते हैं। देखिए दोस्तों, अब दोपहर में एक बार ये अभी दूध पी रहा है, अब ये शायद 2-3 चम्मच और पिएगा। देखिए किस तरह से जल्दी जल्दी दूध पी रहा है, शायद इसको भूख लगा होगा। दोस्तों, ये था ये छोटे से क्यूट रैबिट के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको भी अगर घर में रैबिट पालना है तो हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हम उसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल में आपको कई सारे नेचर रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। Thanks for watching.